हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे और ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे। इसी बेसिस पे हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं या तो फिर स्विंग ट्रेड के लिए लेके चल सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उसी बेस पर आप स्टॉक को कंसिडर करके अपना पोर्टफोलियो में लेके एक बढ़िया सा गेन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सारा ऑफर चल रहा है। अभी अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हैं, जो बेस्ट 5 स्टॉक्स स्विंग ट्रेड के लिए है, ये वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया और डेट फ्री कंपनी है और आपको यहाँ पे तो जबरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्क है, स्टॉक में रिस्क नहीं है। जहाँ पे रिस्क होता है ना, मैं बोल देता हूँ कि स्टॉक में रिस्क है। जहाँ पे रिस्क नहीं होता है वहां पे मैं बोल देता हूँ कि रिस्क नहीं है, ठीक है? तो ये स्टॉक में रिस्क नहीं है तो यहाँ पे बिंदास कर सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे हाई रिस्क होता है मैं वहां पे बोल देता हूँ, वहां पे गेन परसेंटेज ज्यादा होता है और वहां पे हाई रिस्क होता है। जहां पे रिस्क नहीं है वहां पे बिंदास वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए या तो फिर ट्रेडिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्स कंपनी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लक्स कंपनी है आपको तो पता होगा सबको, क्योंकि 60 ईयर पुरानी कंपनी है। इनकॉर्पोरेट हुआ है 1995 में। अगर इस कंपनी का देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे देखिए वरुण धवन, यहाँ पे विराट कोहली, यहाँ पे लक्स का ये सारे है ब्रांड है। तो इसी हिसाब से अगर कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे लक्स का यहाँ पे वेबसाइट पे आके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इसी हिसाब से देखते हैं, ये जो स्टॉक है यहाँ पे 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका अगर डेट देखते हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि 0.12 डेट है, मतलब 12% डेट है कंपनी के ऊपर। और अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 4,644 ऑल टाइम हाई है। स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 3,746 पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। अगर इसका आरओसी की बात करेंगे, 36.4% आरओसी है। प्रमोटर होल्डिंग की जब बात करेंगे, यहाँ पे 73.6% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एक बेहतरीन होल्डिंग है प्रमोटर के पास में। और कंपनी किस सेगमेंट में काम करता है तो सबको पता है, कंपनी ये इनर वेयर प्रोड्यूस करती है, ठीक है? तो अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे, यहाँ पे जब कंपनी का हम देखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बारे में बात करेंगे, स्टॉक का देखिए 1 साल में 132% का रिटर्न दिया है। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 1 साल में 84% का प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया है। अगर आप सेल्स की बात करेंगे, सेल्स भी 42% का ग्रोथ दिखा है। एक छोटा सा कंपनी है जो कि 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया सा कंपनी, एक लार्ज कैप स्टॉक बन सकता है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें, किसी हिसाब से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 2017 को 60 करोड़ प्रॉफिट था, उसके बाद में 2018 को यहाँ पे 78 करोड़ हुआ, उसके बाद में 2019 को 101, उसके बाद में 181, उसके बाद में 273, उसके बाद में 334। स्टॉक कंटिन्यूअसली यहाँ पे अगर आप परफॉर्म देखेंगे ना, तो इसका कंपनी एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मतलब बढ़िया सा ग्रोथ दिखा रहा है। अगर हम सेल्स की भी बात करेंगे, यहाँ पे सेल्स भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 1,078 करोड़ का सेल्स है, उसके बाद में यहाँ पे 1,200 करोड़ का सेल्स हुआ, उसके बाद में मार्च में 1,664 करोड़ का सेल्स हुआ, उसके बाद में मार्च 2021 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,938 करोड़ का सेल्स हुआ। एक बेहतरीन परफॉर्मर रहा है स्टॉक। अगर इसी हिसाब से अगर आप बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर हम जाके देखते हैं, यहाँ पे रिजर्व तो बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है। अगर आप मार्च 2020 को देखेंगे, यहाँ पे 737 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था, उसके बाद में यहाँ पे 1,004 करोड़ का रिजर्व हुआ, इसके बाद में यहाँ पे 1,170 करोड़ का रिजर्व है, यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का पोस्ट किया है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे, बोरोइंग इतना ज्यादा नहीं है, ओनली 134 करोड़ का बोरोइंग है, बोरोइंग इतना ज्यादा नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे प्रमोटर एक बेहतरीन होल्डिंग है, जो कि 73.61% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एफआई के पास में 3.89% का होल्डिंग है, डीआई के पास में 6.6% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 15.8% का होल्डिंग है। होल्डिंग भी एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रांग हैंड में होल्डिंग है। अगर आप एलआईसी को यहाँ से निकाल देंगे 4.74, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 11% का होल्डिंग जो कि है पब्लिक के पास में है फ्रेंड्स, ठीक है? फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में काफी सारा आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है। कैसे स्टॉक को आपको सिलेक्शन करना है, स्टॉक में कैसे जीटी ट्रेडर लगाना है, कैसे आरएसआई सेट करना है, कैसे मूविंग एवरेज सेट करना है, वो सब जरूर आके आप सीख सकते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में आप न्यूली एंटर किए हैं तो, ठीक है? जो तो रेगुलरली देख रहे हैं उनको तो पता है फ्रेंड्स, उन्होंने तो बहुत दिनों से देख रखा है। अगर आप पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू जाके जरूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया से मैंने बताया है कि कितना स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में रखना है और कैसे आप अपना स्टॉक को स्टॉक में लॉस को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं, ठीक
ठीक है, यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका फाइनेंशियल डाटा तो बहुत बेहतरीन दिख रहा है। अगर आज के दिन का अगर हम ट्रेडिंग की बात करेंगे लॉक्स में, तो आज के दिन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 44% का डिलीवरी उठाया गया, जो कि 37,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है। तो यहाँ पे 16,600 क्वांटिटी डिलीवरी उठाया गया, जो कि 44% का डिलीवरी है। अगर आप इसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट की डेट भी नहीं आया अभी, कंपनी डिविडेंड भी बढ़िया है, कंपनी भी रेगुलरली डिविडेंड भी दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके उसका चार्ट पैटर्न जब देखेंगे फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, मेरे को पर्सनली ऐसा लगा, तो मैं इसीलिए वीडियो को बनाने के लिए लिया इसको फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में एक इमीडिएटली स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप बोलेंगे कहाँ से लेना है, कहाँ पे बुकिंग करना है, प्रॉफिट हो पहले बता दो। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में आप इमीडिएटली ये प्राइस पे भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, एक रेंज पे ये स्टॉक यहाँ पे एक रेंज पे चल रहा है। ठीक है, ये रेंज से ऑलरेडी निकल चुका था। ठीक है, स्टॉक में जैसे अभी निफ्टी में गिरावट हुआ, निफ्टी के साथ में यहाँ पे भी गिरावट चालू हो गया। निफ्टी में आज भी 1% का यहाँ पे गिरावट था, कल भी गिरावट था, उसके साथ में स्टॉक में भी गिरावट हुआ है। ऐसा कोई इसमें कोई ये चीज नहीं है, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये जो एवरेज है ना, यहाँ पे ये जो टारगेट है ना, इमीडिएटली आपको ये टारगेट अचीव हो सकता है। जिनको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग लेना है फ्रेंड्स, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप ये स्टॉक को लेके चल सकते हैं, जो कि 1 महीने में ही आपको टारगेट अचीव हो सकता है। अगर आप यहाँ से भी लेके चलते हैं, आप अगर यहाँ तक का पोजिशन लेके चलते हैं, 4527 या 4530 तक का अगर टारगेट लेके चलते हैं, ये आपका टारगेट इमीडिएटली अचीव हो सकता है, जो कि 1 महीने का अंदर भी अचीव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 2 महीने में ये लग जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आप अजीब मत कीजिए कि 1 महीना मतलब 1 महीना में होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, ये कोई FD नहीं है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं मेरे लिए भी अप्लीकेबल होता है, वो आपके लिए भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को हम बाय करते हैं, कभी कभी होल्ड करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है, अगर 1 महीने की जगह में 1.5 महीना अगर लग भी जाए, तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये स्टॉक को अगर आपको लेना है तो ये प्राइस पे आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टारगेट रहेगा 4530 तक आप टारगेट लेके चलिए, जो कि आपको 1-2 मंथ्स में ये टारगेट आपका अचीव हो सकता है, जो कि 21% का गेन है फ्रेंड्स। ये 21% कोई कम गेन नहीं होता है, एक बेहतरीन गेन होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें FD में 6% 7% का गेन मिलता है एक साल में, यहाँ पे आपको 1 मंथ्स 2 मंथ्स में अचीव हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा, अगर 3 मंथ्स भी लग गया, कोई भी बुरा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, मैं इसी हिसाब से इस स्टॉक को सिलेक्ट किया हूँ कि स्टॉक जो है परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेस्ट मुझे लगा, और इसका जो पैटर्न है यहाँ पे चार्ट पैटर्न जिस हिसाब से बिल्ड हो रहा है, मुझे ऐसा लगा ये स्टॉक में आपको बताना चाहिए कि इमीडिएटली कैसे आपको गेन मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ये प्राइस पे आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो रेंज बनाया हुआ है ना, ये रेंज पे बिल्कुल लेके चल सकते हैं, जो कि 3680 के पास में आप बाय कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो में रख लीजिए। ये बहुत बढ़िया सा यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकता है, जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, आप देख रहे हैं ना, तो स्टॉक किसी हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बन चुका है, बिल्कुल रॉकेट बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बन चुका है। अगर हम 2016 से लेके अभी तक का अगर ये स्टॉक में देखें कितना परसेंटेज रिटर्न मिला है, अभी तक अगर आप चेक करते हैं ये स्टॉक में 500% का रिटर्न मिला है, अगर 5 साल की बात करेंगे तो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, जो कि 560% का रिटर्न है, एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जरूर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।